हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस हब में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम केशव है। आज मैं आपको रीजनिंग का पहला क्यूज लेके आया हूँ, जो कि पजल पे बेस्ड है, सिटिंग अरेंजमेंट। ओके, सिटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि एक पजल सिटिंग अरेंजमेंट से जरूर हर एग्जाम में आता है। ओके, और अपकमिंग एग्जामिनेशन लाइक कैनरा बैंक और भारतीय सिंडिकेट बैंक और SBI PO और SBI क्लर्क, इन चारों एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अगर ये पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। तो हम लोग देखते हैं पहला पजल क्या है। ओके, तो हमारा पहला पजल है, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि तरीका मैं बता देता हूँ कैसे पजल को सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले एक काम कीजिए कि कंप्लीट पजल जो है एक बार पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। ओके, एक रीडिंग में धीरे धीरे ही पढ़ें, लेकिन एक ही बार में समझने का कोशिश कीजिए। जब आप पढ़ रहे हो तो एक ही बार, क्योंकि आप लाइन को बार बार रिपीट मत कीजिए। ओके, तो पहले पढ़ लेते हैं। देयर आर टोटल 10% डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स। इन ईच ग्रुप देयर आर इक्वल नंबर ऑफ पर्सन। दे सिट इन टू रोज वाइल दे आर मीटिंग। वन ग्रुप फेसेस नॉर्थ वाइल अदर ग्रुप फेसेस साउथ। In group 1, there are 5 persons A, B, C, D, E, and in group 2, there are 5 persons P, Q, R, S, and T. All of them have different colors like pink, red, blue, black, white, green, yellow, violet, brown, and orange, but not necessarily in the same order. Okay, मैंने यहाँ तक पढ़ लिया। Okay, तो यहाँ तक पढ़ने के बाद मैं अपना मतलब दिमाग में चला, पढ़ते वक्त ही मैं दिमाग में सोचता रहूंगा और इमेज बनाता जाऊंगा कि आखिर क्या क्या करना पड़ेगा मुझे और किस तरह का पजल है। ओके, तो पजल का हर पजल का एक कैटेगरी होता है। ओके, तो ये पजल मतलब मुझे पढ़ने के बाद लगा कि मतलब दो ग्रुप है। ओके, ग्रुप वन ग्रुप टू, एक नॉर्थ फेस कर रहा है, एक साउथ फेस कर रहा है, जिसमें और एक ग्रुप में 5 पर्सन है ए बी सी डी ई एंड दूसरे ग्रुप में पी क्यू आर एस टी। ओके, तो और दोनों ग्रुप में कलर्स दिए हुए। ओके, हर मेंबर को एक कलर पसंद हो गया। तो ये एक सिटिंग मैनेजमेंट का, और आपको ये सोच पढ़ते वक्त ही दिमाग में सोचना पड़ेगा कि हाँ ऐसा ऐसा पजल है, और उसी टाइम आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये पजल मेरे से बनेगा कि नहीं बनेगा। ओके, तो मुझे ये पढ़ने के बाद लग रहा है कि ये पजल बहुत ही ईजी है और ये मुझे 3 से 4 मिनट के अंदर बन जाए। ओके, तो आप भी ट्राई कीजिएगा, 3 से 4 मिनट के वीडियो पॉज कर दीजिए और 3 से 4 मिनट के अंदर इसको सॉल्व कीजिए। ओके, अगर नहीं हो रहा तो कंटिन्यू रखिए। ओके, कंटिन्यू रखिए, आप देखिए, आप टाइम के साथ बनाइएगा दोस्तों। ओके, टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे टाइम फैक्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में एक टाइम रहता है। ओके, तो इस क्वेश्चन को भी आपको आप चेक कीजिए कि आप कितने मिनट में ये क्वेश्चन बना पा रहे हैं, और उसके बाद वीडियो का सॉल्यूशन देखिए। ओके, तो आप कहाँ लैग कर रहे हो। ओके, अगर आपको 3-4 मिनट से ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आपको इम्प्रूव करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और वीडियो देखिए और वीडियो से आप देखिए कि आप कहाँ मिस कर रहे हो। ओके, तो मैं सबसे पहले बनाता हूँ। ओके, तो ग्रुप वन है, जो कि अब एक ग्रुप वन है मान ले, ठीक है, और एक ग्रुप टू है। ओके, तो ग्रुप वन में कौन है, या तो पी क्यू आर एस टी है या तो ए बी सी डी है। ओके, ये आपको बताया नहीं है, तो दोनों में से कोई नॉर्थ फेस कर सकता है, कोई साउथ फेस कर सकता है। ओके, तो अब पहला देखिए, अब पहला जो है, पहला पॉइंट क्या है, पी एस स्टैंड सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। ओके, ये मेरा पहला पॉइंट है। ओके, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो पी या तो नॉर्थ फेस कर सकता है या साउथ फेस कर सकता है, ये हमको बताया नहीं है, क्योंकि कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि पी क्यू आर एस टी कौन से ग्रुप में हुआ, या तो ग्रुप वन में है या तो ग्रुप टू में हुआ। तो ग्रुप वन मान लेते हैं हम लोग, ग्रुप वन जो है ये मान लेते हैं हम लोग ग्रुप वन है। ओके, और ये हम लोग का ग्रुप टू है। ओके, तो कह रहा है कि ग्रुप वन मान लेते हैं साउथ फेस कर रहा है और ग्रुप वन जो है नॉर्थ फेस कर रहा है, तो हम लोग मान लेते हैं पी जो है ग्रुप टू में। ओके, तो ग्रुप टू में मान लिए हम पी को अभी के लिए। ओके, तो पी सिट्स थर्स्ट टू द राइट ऑफ क्यू, तो क्यू अगर यहाँ बैठा हुआ है। ओके, तो 1, 2, 3। ओके, पी हमारा कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी 4 पर्सन हो गए। ओके, एक ये भी कंडीशन बन सकता है कि पी जो है उस ग्रुप वन में हो। ओके, ग्रुप वन में भी हो सकता है पी। ओके, तो ग्रुप वन में भी पी हो सकता है, मतलब पी जो है साउथ फेस कर, क्यू जो है साउथ फेस करेगा और पी जो है भी साउथ फेस करेगा, यहाँ पे क्यू बैठा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे अगर क्यू बैठा हुआ है तो मान लेते वन पी सिट्स थर्स्ट टू द राइट ऑफ क्यू। ओके, तो पी यहाँ बैठेगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे स्पेस इसलिए छोड़ा कि हो सकता है पी के इधर बैठे या तो क्यू के इधर बैठे। ओके, तो यहाँ पे 4 स्पेस हो गया। ओके, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, तो अगर तो आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है सर, ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू। ओके, इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू फेसेस द पर्सन हु लाइक पिंक कलर। ओके,
तो इमीडिएट नंबर ऑफ क्यू मतलब ये भी हो सकता है या तो ये हो सकता है क्योंकि इधर बैठे ओके तो हम मान लेते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड में बैठ रहा है ओके क्योंकि लेफ्ट साइड में पिंक बैठ रहा है ओके द इमीडिएट नंबर ऑफ क्यू फेसेस द पर्सन हु लाइक पिंक कलर ओके तो ये पिंक कलर पसंद है इसको ओके और ये भी हो सकता है कि इसका बात किया जा रहा हो इसको पसंद हो पिंक कलर तो मतलब यहाँ से दो पहला किस तो बना ही हुआ यहाँ से दूसरा केस भी आ सकता है ओके यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट से मेरा दूसरा केस आ गया ओके तो ग्रुप वन ग्रुप टू ओके तो यहाँ पे क्यू बैठा हुआ है ओके क्यू बैठा हुआ है ओके ये यहाँ पी बैठा हुआ है ओके यहाँ पे चार बंदा बैठा हुआ है तो अब हो सकता है कि इस नेबर का बात किया गया हो इसको पिंक पसंद हो ओके अब इस केस में आइए ये मेरा थर्ड केस है ओके ये मेरा तीसरा केस है तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो सकता है क्योंकि राइट नेबर का बात किया जा रहा हो ओके क्योंकि मतलब क्योंकि क्या हो जाएगा ये लेफ्ट हो जाएगा ओके हमारा राइट हो रहा है ओके मतलब क्योंकि लेफ्ट नेबर का बात कर रहा हो तो मतलब पिंक इसको पसंद हो ओके अब यहाँ से एक और केस बन सकता हो सकता है इस नेबर का बात किया जा रहा हो तो मेरा चौथा केस मतलब यहाँ से मेरा चार केस बन रहा है ओके पी यहाँ पे क्यू ओके यहाँ पे चार बंदा बैठा हुआ है ओके हो सकता है तो मतलब कह रहा है हो सकता है इसको पिंक पसंद हो ओके पिंक इसको पसंद हो तो इसका बात किया जा रहा है ओके अब नेक्स्ट में देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या ओके देर इज अ गैप ऑफ 2% बिटवीन द पर्सन हु लाइक्स पिंक एंड रेड कलर ओके पिंक एंड रेड कलर के बीच में कितना गैप है दो कलर का दो गैप है ओके पिंक और रेड में तो एक दो तो रेड कलर क्या हो जाएगा ये हम आर से डिनोट कर रहे हैं ओके दोस्तों तो रेड को मैंने आर से डिनोट किया ओके और यहाँ पे देखिए पिंक यहाँ पे है अगर हम यहाँ पे चार बंदा बैठा हुआ है एक ग्रुप में कितना बंदा है पांच बंदा बैठे हुए हैं ओके अगर हम यहाँ पे रेड देते हैं तो रेड यहाँ पे अगर हम देंगे तो मेरा यहाँ पे एक ही गैप आएगा ये मतलब रेड और पिंक के बीच में एक ही आदमी बैठा हुआ है तो मेरा क्या होगा यहाँ पे होगा ओके यहाँ पे होगा ओके रेड यहाँ पे होगा तभी मेरा यहाँ पे दो का गैप बन रहा है पिंक और रेड के बीच में ओके अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो इजिली यहाँ पे हो जाएगा पांच आदमी बैठे हुए हैं पांच तो यहाँ पे रेड हो जाएगा ओके और यहाँ पे देखिए अगर ये इस राइट साइड में देंगे तो यहाँ पे एक ही आदमी आएगा ओके तो लेफ्ट साइड में हमारा इसमें आएगा ओके इस ग्रुप में क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड में यहाँ पे रेड होगा ओके एंड आर डज नॉट फेस द पर्सन हु लाइक्स रेड कलर ओके कह रहा है कि आर जो है रेड कलर को फेस नहीं कर रहा ओके तो कहीं भी जो है होगा आर मेरा यहाँ पे नहीं होगा आर ओके द टी डज नॉट फेस द पर्सन हु लाइक्स रेड कलर एक यहाँ पे ये स्टेटमेंट मेरा छूट गया ओके देयर इज ओनली 1% बिटवीन आर एंड एस और आर एंड एस के बीच में एक ही पर्सन बैठा हुआ है ओके तो आर मेरा यहाँ पे कौन से ग्रुप में दूसरे ग्रुप में होगा यहाँ पे तो अगर आर और एस का देखें तो आर और एस मेरा यहाँ पे बैठ सकता है और यहाँ पे बैठ सकता है ओके क्योंकि यहाँ और यहाँ तो नहीं बैठेगा क्योंकि यहाँ पे आर और एस के बीच में एक भी पर्सन नहीं आ रहा है और आर और एस हमारा इसमें बैठ सकता है यहाँ बैठ सकता है ओके आर और एस यहाँ पे बैठ सकता है यहाँ पे बैठ सकता है आर एंड एस जो है हमारा यहाँ और यहाँ बैठ सकता है ओके तो अब देखते हैं तो कह रहा है कि देर इज अ गैप ठीक है देर इज ओनली 1% बिटवीन आर एस एंड आर डज नॉट फेस द पर्सन हु लाइक्स रेड कलर ओके तो अब कह रहा है कि आर एंड एस जो है वो रेड कलर को फेस नहीं करेगा आर जो है रेड कलर को फेस नहीं कर रहा है ओके तो रेड कलर यहाँ पे है तो मेरा आर एंड एस जो है यहाँ और यहाँ बैठेगा तो आर यहाँ अगर नहीं बैठ सकता क्योंकि यहाँ पे रेड कलर को फेस करेगा तो ये यहाँ पे ये कंडीशन गलत हो जाए तो इसलिए यहाँ पे एस बैठेगा यहाँ पे आर बैठेगा उसी तरह देखते हैं कि इसमें क्या था हमारा आर एंड एस यहाँ पे बैठ रहा था तो दोनों जगह पॉसिबिलिटी यहाँ पे अभी भी दोनों पॉसिबिलिटी कंडीशन मेरा अभी भी ट्रू लाई कर रहा है यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे देखिए आर यहाँ पे है तो यहाँ पे आर नहीं बैठेगा ओके यहाँ पे क्या बैठेगा एस बैठेगा यहाँ पे कौन बैठेगा आर बैठेगा अब यहाँ पे भी दोनों कंडीशन बन रहा है देखिए यहाँ पे आर बैठ सकता है यहाँ एस भी बैठ सकता है यहाँ पे भी आर बैठ सकता है यहाँ पे भी एस बैठ सकता है तो इसके लिए अब हमको आगे पढ़ना पड़ेगा ओके एंड आर डज नॉट लाइक रेड कलर ठीक है ये तो हो ही नहीं सकता ये अननेसेसरी चीज दे दिया ओके ठीक है एंड आर डज नॉट फेस द पर्सन हु लाइक्स रेड कलर ये तो हो गया मेरा टी डज नॉट फेस द पर्सन हु लाइक्स रेड कलर ओके तो देखिए अब टी जो है रेड कलर को फेस नहीं करेगा ओके देखिए यहाँ पे अगर आर एंड एस यहाँ बैठ रहा है ये दोनों पोजीशन पे आर एंड एस बैठ रहा है तो टी का पोजीशन कौन सा होगा नहीं सॉरी यहाँ बात करना है आपको यहाँ आर एंड एस बैठ रहा है यहाँ और यहाँ तो टी का पोजीशन हमारा यहाँ एक सिर्फ यही बैठा हुआ है तो टी का पोजीशन हमारा वहाँ हो जाएगा
और यहाँ पे तो टी बैठेगा ही बैठेगा, ओके पी क्यू आर एस टी सेम ग्रुप में बैठ रहे थे, अब यहाँ पे आर एंड एस का यहाँ बात कर रहा है तो मेरा टी यहाँ बैठेगा ओके, एंड यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो टी बैठेगा क्योंकि एक ही स्पेस बचा हुआ है। अब ये भी बोल रहा है कि टी जो है रेड कलर के रेड कलर को फेस नहीं करेगा ओके, तो यहाँ पे देखिए टी जो है रेड कलर को फेस कर रहा है, तो ये कंडीशन जो है ये केस जो है हमारा वो गलत हो गया ओके। और यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भी जो टी जो है रेड कलर को फेस कर रहा है तो ये भी केस गलत हो गया, तो हमारा दो केस बनाया अभी ठीक है। तो हमारा एक ये केस केस नंबर टू और केस नंबर फोर अभी तक कंटिन्यू ओके। अब चलते देखते हैं, द इमीजिएट नेबर ऑफ पी फेसेस द पर्सन हु लाइक्स ब्लू कलर ओके, एंड इमीजिएट नेबर ऑफ पी, इमीजिएट नेबर ऑफ पी कौन है, या तो एस है या तो आर है ठीक है, इमीजिएट नेबर ऑफ पी फेसेस द ब्लू कलर, तो एस जो है ऑलरेडी रेड कलर को फेस कर रहा है ओके, तो आर ही जो होगा वो ब्लू कलर को फेस कर रहा होगा ओके, ब्लू को मैं बी से डिनोट कर रहा हूँ ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे पी का जो इमीजिएट नेबर है आर और एस है, तो एस तो ऑलरेडी रेड कलर को फेस कर रहा है, तो आर जो है वो कौन किसको फेस करेगा, ब्लू कलर को फेस करेगा ओके ओके। तो आप देखते हैं ई लाइक्स ब्लू कलर, ई को क्या पसंद है, ब्लू कलर पसंद है, तो यहाँ पे ब्लू ये है हमारा, ये यहाँ पे बैठेगा ओके, ये ब्लू हमारा ये है, तो यहाँ तो ई किसको फेस कर रहा है, आर को फेस कर रहा है। और देयर इज ओनली वन पर्सन बिटवीन द ई एंड द पर्सन हु लाइक्स ग्रीन कलर ओके, अब देयर इज ओनली वन पर्सन हु लाइक्स, देयर इज ओनली वन पर्सन बिटवीन द ई एंड द पर्सन हु फेसेस द सॉरी हु लाइक्स द ब्लैक कलर ओके, मतलब ई और ब्लैक कलर में कितना के बीच में कितना आदमी बैठ रहा है, एक आदमी बैठ रहा है ठीक है, तो ई यहाँ बैठेगा, ई तो यहाँ बैठा ही हुआ है, या तो ब्लैक वाला यहाँ पे बैठेगा या तो यहाँ, यहाँ तो ऑलरेडी रेड कलर है ओके, तो ब्लैक वाला हमारा कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा ओके, ब्लैक को मैं बी एल से डोनेट कर रहा हूँ ओके। अभी इस केस में आइए, ई और ब्लैक के बीच में एक आदमी बैठा हुआ है, तो यहाँ तो ब्लैक हो नहीं सकता क्या, क्योंकि यहाँ पे रेड कलर का ऑलरेडी बंदा बैठा हुआ है, तो ब्लैक का हमारा कहाँ बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा बी एल ओके। देयर इज ओनली वन पर्सन से द पर्सन हु लाइक व्हाइट कलर फेसेस द पर्सन हु लाइक्स ग्रीन कलर ओके, व्हाइट जो है किसको फेस कर रहा है, ग्रीन कलर को फेस कर रहा है ओके, तो यहाँ पे चार पांच में से चार आदमी जो है वो ब्लू पिंक ब्लैक पिंक ब्लू और रेड ऑलरेडी हो गया, तो या तो व्हाइट ये होगा या तो ग्रीन ये होगा, व्हाइट और ग्रीन में से यही कोई होगा, यही दोनों में से कोई किसी एक को व्हाइट पसंद होगा किसी को ग्रीन पसंद होगा, सिमिलरली यहाँ पे भी किसी एक को व्हाइट पसंद होगा ग्रीन एक को पसंद होगा, मतलब व्हाइट ग्रीन यहाँ पे आ जाएगा, व्हाइट ग्रीन का जो होगा यही ब्लॉक होगा ओके, यही रो होगा ओके। अब चलते हैं हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लाइन में, देयर इज अ गैप ऑफ 2% बिटवीन द पर्सन हु लाइक्स व्हाइट एंड द येलो ओके, अगर हम मान लें व्हाइट एंड येलो के बीच में कितना आदमी बैठ रहा है, दो आदमी बैठ रहा है, तो अगर हम व्हाइट यहाँ देंगे तो येलो तो इस ग्रुप में आ नहीं पाएगा, तो ये व्हाइट यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ पे कौन बैठेगा, ग्रीन बैठेगा ओके, ग्रीन से डिनोट कुछ जी से डिनोट कर रहे हैं ओके, तो व्हाइट मेरा कौन बैठेगा, यहाँ पे व्हाइट बैठेगा, और व्हाइट और येल्लो के बीच में दो आदमी बैठा हुआ है, तो वन टू येल्लो ये हो जाएगा ओके। सिमिलरली यहाँ पे भी कौन बैठेगा, यहाँ पे भी व्हाइट बैठेगा ओके, यहाँ पे भी कौन बैठेगा, यहाँ पे भी ग्रीन बैठेगा ओके, और यहाँ पे कौन बैठेगा, यहाँ पे व्हाइट बैठेगा ओके, व्हाइट और येल्लो के बीच में दो आदमी बैठा हुआ है, तो यहाँ पे येल्लो हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट लाइन, द पर्सन हु लाइक्स वायलेट कलर इज नॉट इमीडिएट नंबर ऑफ द पर्सन हु लाइक्स व्हाइट कलर ओके, वायलेट कलर जो है जिसको पसंद है वो व्हाइट कलर के बगल में नहीं बैठ रहा, तो व्हाइट कलर यहाँ वायलेट कलर जो है यहाँ नहीं बैठेगा और यहाँ नहीं बैठेगा, मतलब वायलेट कलर जो है यहाँ बैठ रहा है ओके। सिमिलरली वायलेट कलर जो है यहाँ नहीं, व्हाइट कलर तो यहाँ पे है ठीक है, वायलेट कलर यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा और यहाँ नहीं बैठेगा, मतलब वायलेट कलर जो है ये यहाँ बैठेगा ओके ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट लाइन क्या कर रहा है, तो ए लाइक्स रेड कलर एंड सिट्स थर्स्ट टू द राइट ऑफ डी, ए को क्या पसंद है, रेड कलर पसंद है, तो रेड हमारा कौन है, ये है, एंड सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी ओके, तो डी हमारा यहाँ पे ये खाली था ओके, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा दोस्तों, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से मेरा बिगेस्ट बड़ा स्पेस लेके बनाऊंगा ओके। और क्या कह रहा है, ए को रेड कलर पसंद है, तो रेड कलर हमारा यहाँ पे ओके, ए यहाँ बैठा, सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, डी यहाँ बैठेगा ओके, देखिए डी के, एंड सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी ओके, लेफ्ट ऑफ डी, डी ए जो है डी के लेफ्ट थर्ड टू द लेफ्ट में बैठ रहा है, और ए जो है यहाँ पे भी देखिएगा, तो डी ए जो है, बी डज नॉट लाइक ब्लैक कलर ओके,
बी को ब्लैक कलर नहीं है, ब्लैक कलर ये है, तो बी हमारा कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा. ओके, बी डज नॉट लाइक ब्लैक कलर, तो ब्लैक हमारा यहाँ है, तो ब्लैक कहाँ बैठेगा, यहाँ, बी यहाँ हमारा बैठेगा. ओके, एंड आर लाइक्स ब्राउन कलर. ओके, आर लाइक्स ब्राउन कलर, तो ये हो जाएगा ब्राउन, बी आर. ओके, आर हमारा कौन है, ये है हमारा. ओके, तो इसको क्या, कौन सा कलर पसंद है, इसको ब्राउन कलर पसंद है. ओके, आर को ब्राउन कलर पसंद है. और एस को कौन सा कलर पसंद होगा, अभी तक कौन सा कलर बचा हुआ है, पिंक हो चुका है, रेड हो, ब्लू, ब्लैक हो चुका है, वाइट, ग्रीन, येलो, वायलेट, ब्राउन, ऑरेंज, सिर्फ ऑरेंज बचा हुआ है, तो एस को ऑरेंज पसंद होगा. ओके, एस को क्या पसंद है, ऑरेंज. और यहाँ पे कौन बैठेगा, ए बी सी ओ सी बचा हुआ है, तो यहाँ पे सी को ब्लैक कलर पसंद होगा. ओके, यहाँ पे सी होगा. ओके, अब देखिएगा यहाँ पे दोनों में से दोनों केस जो होगा वो सही आ रहा है. ओके, तो दोनों में से सही केस आ रहा है, तो मतलब आपका जो मतलब क्वेश्चन जो आएगा, पांच सेट का क्वेश्चन जो आएगा, वो दोनों में से आप किसी को भी लेके चलिएगा तो सही आंसर आएगा. ओके, तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सही हो रहा है. ओके, तो देखते हैं. ठीक है, हु एमोंग द फॉलोइंग सिट एट द कॉर्नर. ओके, हु एमोंग द फॉलोइंग, मैंने तीन ही क्वेश्चन लिया. ओके, हु एमोंग द फॉलोइंग सिट्स एट द कॉर्नर, तो कॉर्नर पे कौन कौन बैठ रहा है, तो देखिए कॉर्नर पे हमारा कौन कौन बैठ रहा है, सी बैठ रहा है, ए बैठ रहा है, क्यू बैठ रहा है, एस बैठ रहा है. का ए सी क्यू एंड एस. ओके, यहाँ पे भी कौन बैठ रहा है, ए सी क्यू एंड एस. देखें दोनों में कोई सेम ही पर्सन बैठ रहे हैं कॉर्नर पे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए सी क्यू एस. ओके, हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टी. ओके, हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टी, तो टी के राइट, थर्ड राइट में कौन बैठ रहा है, टी यहाँ बैठा हुआ है, तो राइट इसका किधर होगा, इधर, तो एस बैठ रहा है इधर. इधर यहाँ पे सेकंड में देखते हैं, तो टी यहाँ बैठा हुआ है, तो एस कौन बैठ रहा है, इधर, इधर एस बैठ रहा है. ओके, तो टी के राइट में कौन बैठ रहा है, एस बैठ रहा है. ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एस, ए ऑप्शन. ओके, एस रिलेटेड टू ए. ओके, एस रिलेटेड टू ए एंड आर रिलेटेड टू ई इन द सेम वे टी इज रिलेटेड टू वॉट. ओके, एस इज रिलेटेड टू ए, देखिए एस जो है हमारा किससे रिलेटेड है, ए से रिलेटेड है. एस इज रिलेटेड टू ए. ओके, एंड दूसरा क्या था, आर इज रिलेटेड टू ई, आर ई से रिलेटेड है, आर ई से रिलेटेड है, तो टी जो है हमारा किससे रिलेटेड है, वी. देखिए सेम पर्सन मतलब जो एस के जो फेस कर रहा है उसके बारे में बात कर रहा है. ओके, आर आर को जो फेस कर रहा है उसके बारे में बात कर रहा है, तो टी को कौन फेस कर रहा है, डी फेस कर रहा है. ओके, तो टी को कौन फेस कर रहा है, डी फेस कर रहा है. देखिए टी को कौन फेस कर रहा है, डी फेस कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा. ओके, तो डी जो है हमारा वो आंसर हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन वो हो जाएगा. ठीक है, तो आप लोग समझ रहे होंगे. ओके दोस्तों, थोड़ा यहाँ पे मतलब एक ही जगह कॉम्पैक्ट हो गया. ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से थोड़ा बड़ा स्लाइड बड़ा करके मैं बताऊंगा. ओके ओके दोस्तों, आप लोग होप आप लोग समझ गए होंगे ये सिटिंग अरेंजमेंट्स का पजल कैसे सॉल्व करना है. ओके दोस्तों, आपको अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. ओके ओके दोस्तों, बाय, हैव अ नाइस डे.